मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जंगली सियार के हमले में एक दादा पोती घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। दरअसल भवंती थाना क्षेत्र के खोड़ में खेत पर अपने दादा के साथ मूंगफली बीन रही एक 12 वर्षीय लड़की पर बुधवार को एक जंगली सियार ने जानलेवा हमला बोल दिया। सियार के हमले में 12 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान बच्ची को बचाने आए उसके दादा पर भी सियार ने हमला करके घायल कर दिया है। दोनों घायल दादा पोती को इलाज के लिए पहले खोड़ फिर शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। लोगों ने लाठियों से हमला कर सियार को भगाकर दादा पोती की बचाई जान। जानकारी के अनुसार खोड़ की रहने वाली लक्ष्मी पुत्री कल्लू आदिवासी उम्र 12 वर्ष बुधवार को अपने दादा बैजनाथ आदिवासी उम्र 85 वर्ष के साथ खेत पर मूंगफली बीन रही थी, तभी अचानक एक जंगली सियार ने लक्ष्मी के ऊपर हमला कर दिया। सियार के हमले में लक्ष्मी के दोनों पैर और हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। सियार ने लक्ष्मी की एक उंगली को बुरी तरह से चबा डाला। पोती को बचाने आए बुजुर्ग दादा बैजनाथ पर भी सियार ने हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान खेत पर मौजूद अन्य लोगों ने लाठियों से हमला कर सियार को भगाया, जिससे दोनों की जान बच गई। क्या नाम है तुम्हारा? बलवीर। कौन है? भतीजी। क्या हो गया? इसको कुआं पे मूंगफली बीन रही थी ना, तो सियार आया, लड़ी ये बोलते हैं वो आया, उसने उसी ने काटा खाया इसको। इसको खाया? कहां से खाया? दोनों पैरों में, हाथों में और उंगली को तो पूरी खा गया है उंगली। और इसके साथ में और कौन था? दे दादाजी थे। दादाजी थे। ये क्या कर रहा है? कितने बजे की घटना है ये? करीबन होगी 11 बजे। कहां से? मतलब कहां पे ये खेत? हमारे कुंड में, कुआ पे, विजयपुर कुंड में। उसके बाद फिर आपको पता कैसे चला कि ये शिकार कर रहा है? हम वहीं थे। हम हमने उसको गए दौड़ के उसको भगाया, वो भाग गया, हमने उसको सोचा इसको मार दे, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया। हम उसको दो पकड़ते रहे, लेकिन फिर वो जंगल में निकल गया, चले गया। इनको आप कहां लेके गए? खोड़ पे, खोड़ अस्पताल में। फिर उसके बाद यहाँ रेफर कर दिया शिवपुरी। दादाजी के यहाँ पे क्या चोटें? जांग में आई है। बच्ची के यहाँ पे? बच्ची को बहुत चोटें आई, हाथों में, पैर में। कितने साल की होगी? 12 साल की।